हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिलेटिव, नेटफ्लिक्स से रिलेटिव, अमेज़न प्राइम से रिलेटिव काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज मैं बात करूंगा बहुत सारे ओटीटी अपडेट्स के बारे में, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोबरा काई सीजन 4 से रिलेटिव अपडेट के बारे में। तो तीनों सीजन बहुत ज्यादा अच्छे थे, पर सीजन 4 मुझे थोड़ा डाउन लगा, पर फाइनली सीजन 4 देखने लायक था और अच्छा ही लगा, इतना बुरा भी नहीं था। पर फाइनली सीजन 4 में एक पोस्ट क्रिएट सीन था जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और जब से वो पोस्ट क्रिएट सीन आया है तो भाई वहीं से कंफर्म हो जाता है कि हमें सीजन 5 भी देखने को मिलेगा। और देन जैसे ही सीजन 5 आया तो काफी सारे अपडेट भी आने लग गए, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था कि आपने न्यू कराटे किड मूवी तो देखी होगी, जिसमें कि जो मेन कैरेक्टर था न्यू कराटे किड का, जूडी प्रिंसेस, वो भी आपको सीजन 5 में देखने को मिल सकती है, ऐसे रूमर चल रहे हैं। तो होपफुली ये सच हो और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी ज्यादा बात करते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो एमिली इन द पेरिस फाइनली हिंदी में आ चुकी है, ओल्ड अपडेट है पर सोचे कि इंक्लूडिंग कर लूँ, तो अभी तक नहीं देखी किसी ने तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसी के साथ अगला अपडेट है कि नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज की तीसरा और फोर्थ सीजन भी कंफर्म कर दिया, तो जाके चेकआउट करो सीजन 2। और मैं तो एक्साइटेड हो गया जब से ये चीज कंफर्म हुई है। उसी के साथ एनएला होम्स 2 भी कंफर्म हो चुकी है कि उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और ये जुलाई के महीने में रिलीज होगी, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। देन उसके साथ कंफर्म हो चुका है बुक माई शो पर वेलकम रुकुन सिटी आ चुकी है हिंदी, तमिल, तेलुगु में, तो भाई जाके चेकआउट करो, बहुत ही कमाल की मूवी है अगर आप बुक माई शो पर देखना पसंद करते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम कंफर्म हो चुकी है मार्च के महीने में रिलीज होगी, और यूएस में 28 फरवरी को रिलीज होगी हिंदी और इंग्लिश में, और प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स और डिज्नी। देन उसी के साथ टर्निंग रेड भी कंफर्म हो चुकी है हिंदी, तमिल, तेलुगु में, डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर रिलीज होगी डायरेक्ट, ना कि थिएटर में, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये मूवी देखने लायक है। देन उसी तरह अमेजॉन प्राइम पर बॉयज सीजन 3 का सोल्जर बॉय का एक और न्यू बिहाइंड द सीन लुक रिलीज हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। द एडम प्रोजेक्ट कंफर्म हो चुकी है मूवी के हिंदी में रिलीज होगी, और फाइनली काफी सारे बिहाइंड द सीन है तो आपको मेरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं ओटीपी अपडेट्स में जाके। आई एम ग्रूट जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की न्यू अपकमिंग टीवी सीरीज है कंफर्म हो चुका है कि आपको ड्रैग कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, देन उसी के साथ आपको व्हाइट विजन भी अपकमिंग न्यू टीवी सीरीज में देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी देखने को मिल सकते हैं, तो यार ये कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। देन उसी के साथ धमाकेदार अपडेट, तो फाइनली सेक्स एजुकेशन सीजन 4 कंफर्म हो चुका है और शूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी अपडेट आएंगे इससे रिलेटेड बता दूंगा आपको। और फाइनली एक न्यू अपडेट बेहतरीन, द कराटे किड मूवी भी बन सकती है एक न्यू मूवी सीरीज के अलावा, तो देखते हैं क्या होता है, और डैनियल रूसो भी इस मूवी में होंगे। आउटर ब्रेक का फाइनली न्यू सीजन कंफर्म हो चुका है, अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस सीजन नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट करके, ऑलरेडी हिंदी में है। इनविजिबल व्हील की फाइनली एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है, और पहला सीजन बहुत ज़्यादा कमाल का था, पर हिंदी का भी तो कोई अपडेट नहीं आया, तो जैसे ही आएगा आपको तुरंत बता दूंगा। और अब थोड़ा एक ओल्ड अपडेट, क्योंकि वीडियो ये वाला पुराना था, तो 14 तारीख को पुष्पा आ चुकी है हिंदी में, अगर किसी ने नहीं देखी तो यार इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो, बस मैंने सोचा कि इंक्लूडिंग कर लूँ। स्टे क्लोज भी फाइनली हिंदी में आ चुकी है, ये भी पुराना अपडेट है, पर शायद किसी को नहीं पता चला हो तो भाई ये देख लेना इस वीडियो के बाद, बहुत ही अच्छी सीरीज है, डिफरेंट है। और 83 फाइनली कंफर्म हो चुकी है कि रिलीज होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, क्या समझ लो कि प्लेटफॉर्म अभी तक कंफर्म नहीं है, पर जैसी कंफर्म होगी आपको बता दूंगा। गोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ फाइनली कंफर्म हो चुकी है बुक माय शो पर, और रिलीज भी हो चुकी है, जाके चेकआउट करके आओ इंग्लिश में। देन उसी के साथ बुक माय शो पर एक और मूवी आने वाली है आउट ऑफ द डेथ, शायद आ भी गई होगी, अब तक मैंने अभी चेक नहीं करा है बुक माय शो पर आपको इसकी रिलीजिंग डेट देखनी है तो वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली एक बॉलीवुड का मूवी अपडेट, 11 फरवरी को रिलीज होगी गहराइयां, जो कि है दीपिका पादुकोण की अपकमिंग न्यू मूवी। उसी के साथ डिज्नी प्लस की न्यू अपकमिंग एक टीवी सीरीज आ रही है एक्समैन, जो कि 97 है, और देन उसके ओरिजिनल वुल्वरीन के वॉइस आर्टिस्ट रिटर्न हो चुके हैं, तो यार मजा आने वाला है। और उसी के साथ द ग्रे मैन, जो कि बहुत ही कमाल की मूवी होने वाली है, तो ये कंफर्म हो चुकी है कि जुलाई के महीने में रिलीज होगी, और शूटिंग तो उसकी ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुकी है। फिर उसके बाद एक बॉलीवुड मूवी लूप लपेटा, जो कि इन्हीं नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, इसका ट्रेलर आ चुका है, जाके चेकआउट कर सकते हो, और देन रिलीजिंग डेट के लिए भी आपको ट्रेलर में पता चल जाएगा, वरना वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। द किंग्स मैन इंग्लिश में रिलीज होने वाली है हुलू स्ट्रीमिंग सर्विस पे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इंडिया में ज्यादा उस प्लेटफॉर्म को कोई देखता है, पर इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको तुरंत बता दूंगा। और फाइनली एक अपडेट आया कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ब्लैक पैंथर की स्पिन ऑफ बनेगी, जो कि नेमोर पे होगी, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और जो भी कंफर्मेशन आएगी बता देंगे। और इसी के साथ एक और अपडेट, द टॉल गर्ल, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हिंदी में है और दूसरा पार्ट भी आ चुका है, कंफर्म हो चुका है, और ट्रेलर भी आ चुका है, जो कि रिलीज होगा 11 फरवरी को। देन उसी के साथ एक और बेहतरीन जॉम्बी टीवी सीरीज ऑल ऑफ द डेड,
जो कि 28 जनवरी को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे। हिंदी का कोई भी अपडेट आता है आपको बता दूंगा। द सैंडमैन भी कंफर्म हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी और अभी तक डेट वेट कंफर्म नहीं हुई है, जैसे ही आएगा तुरंत आपको बता दूंगा। मून नाइट का फाइनली रीशूट स्टार्ट हो चुके हैं, ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, पोस्टर भी आ चुका है। अगर इससे रिलेटेड पूरे टॉप 6 के अपडेट की वीडियो देखनी है तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। और देन फाइनली एक धमाकेदार अपडेट Amazon प्राइम की तरफ से, लॉर्ड ऑफ द रिंग का फाइनली फर्स्ट लुक आ चुका है और ये सीरीज रिलीज होगी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में। इतनी सारी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है तो पक्का ये सीरीज हिट होगी। उसी के साथ मिस मार्वल में 3 पाकिस्तानी कैरेक्टरों को कास्ट करा गया है, आप खुद इमेज देख सकते हैं। और फवाद खान तो मेरे फेवरेट एक्टर हैं तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। फाइनली अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाएगी हाउस ऑफ द हैंगिंग्स जगेंस्ता, जो कि एक वांडा विजन की स्पिन ऑफ है, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। उसी के साथ शेडो ऑफ द मोनी का भी सीजन नेक्स्ट कंफर्म हो चुका है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा सेट इमेजेस। और गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।